हेलो, आयशा अजीज बोल रही हूँ। जी बोलिए। आज सलीमा का निकाह है। आप फिक्र मत कीजिए, सलीमा की शादी राशिद से ही होगी। ठीक है। लीजिए आ गए। जनाब जिलानी साहब, आदाब आदाब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आदाब साहब, जिलानी साहब नमस्कार, आइए 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 बैठिए। नमस्कार जी। नमस्कार, बुलवाइए। आयशा, सलीमा को लाओ। आओ बेटा, बैठो। तो शुरू करें जनाब, तशरीफ रखिए। जी ये आइए। बधाई हो, बड़ा मुबारक दिन है आज। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो फिरोज और सलीमा, आप दोनों निकाह के लिए तैयार हैं? बोलिए। क्या तमाशा लगा रखा है जमाल? सलीमा मेरी बेटी है और उसकी शादी भी मेरी मर्जी से होगी। घर आपका है, ये दावत आपकी है और यकीनन बेटी भी आपकी है, लेकिन शादी उसकी मर्जी से होगी और वो अपनी मर्जी आपको बता चुकी है। राशिद, जाओ जगह पर बैठो। जमाल, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। सही गलत मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जमाल, अब पलट चुकी है बाजी, दुल्हा दुल्हन है राजी, निकाह पड़ाओ काजी। जी क्या हो रहा है भाई? जमाल, ये ज्यादती है, जुल्म है। तुमसे बड़ा जालिम और कोई नहीं है जो अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती किसी और से करा रहा है। अब शादी होने तक शराफत का रुख इख्तियार रखो। काजी साहब, आप निकाह पढ़ाना शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। निकाह कबूल है? कबूल है। आपको भी निकाह कबूल है? कबूल है। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो राशिद, मुबारक हो। यह रहा तुम्हारे निकाह का तोहफा, इसे कबूल करो, अब तुम्हें कोई गरीब नहीं कहेगा। अपनी बाकी की जिंदगी सलीमा के साथ हंसी खुशी गुजारो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आओ, अब तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। चलो। अजीज साहब, दामाद मुबारक हो। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, बैठिए। जी शुक्रिया। दरअसल बहन, ये आपके हिस्से की प्रॉपर्टी के कागजात हैं जो जमाल साहब ने आपके लिए भिजवाए हैं।
हमारी जिंदगी में इस जायदाद की कोई अहमियत नहीं भाईजान। बहन, इसे आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। अगर मैं अपना काम अधूरा छोड़ के गया तो जमाल साहब नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी ये आपका हक है। इस दिए को देख रहे हैं आप, रोशनी दे रहा है इसलिए कि ये तेल से भरा हुआ है। अगर तेज हवाओं की वजह से ये दिया बुझ जाए ना, तो तेल की कोई अहमियत नहीं। इसी तरह सुरैया की जिंदगी है। हवाएं रुक चुकी हैं सुरैया बहन, अब ये दिया नहीं बुझने वाला। मुझे जिंदगी से नफरत होने लगी और मैंने फैसला कर लिया। जमाल साहब, बुरी खबर है। सुरैया बहन ने सलाम के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लिया है और खुद को कानून के हवाले कर दिया है। तुम्हारे इस मरने को हम वफा कह नहीं सकते, जीते जी हम ये जुल्म सह नहीं सकते। जज साहब, मैंने सलाम का कत्ल किया है और मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। मुझे मेरे जुर्म के लिए फांसी की सजा दीजिए। जज साहब, मैंने एक नहीं दो दो कत्ल किए हैं, एक मेरे शौहर का और दूसरा अपनी मोहब्बत का। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। सुरैया बानो के इकबाली जुर्म को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उसे सलाम मीर के कत्ल का मुजरिम करार देते हुए। आप कौन है? मैं जमाल हूँ। ये औरत जो कटघरे में खड़ी है, मेरा गुनाह अपने सर लेकर मुझ पर एहसान करना चाहती है। मैंने सलाम का कत्ल किया है